जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये दोस्तों जी हमारी माशाल्लाह से पट्टी बैठ गई है जी, 3:21 पे माशाल्लाह दोस्तों बैठी है। आज तीसरा दिन था इस पट्टी को जी, बाकी कल भी 5 बजे आई है और परसों 6:45 आई थी माशाल्लाह से जी पहले दिन। तो आज दोस्तों आपको पता है जिस तरह से मैंने पहले बताया आपको कि कबूतरों को आज जो है ना बस वो डिस्टर्ब नहीं किया, दूसरे दिन मैंने डिस्टर्ब किया था जी, क्योंकि मौसम की वजह से वेदर का दोस्तों जो है ना वो सुबह बड़ा ही वेदर ख़राब हुआ है। मौसम इतना ख़राब हुआ है यकीन माने, मौसम ख़राब में बारिश भी हुई है सुबह और बादल शादल बड़े पड़े हैं, वो काली घटाएँ जो पड़ी हैं, इस वजह से जो है ना वो फिर डर जाते हैं। मतलब जिस तरह पहले आपको पता है एक दिन 11 कबूतर मेरे इस तरह आगे पीछे हुए थे, तो ये काम बना था जी। बाकी माशाल्लाह से पट्टी ये बैठी हुई है, तो दोस्तों इसको नीचे उतारता हूँ और साथ में आपको दिखाता हूँ। ले दोस्तों ये माशाल्लाह से हमारी पट्टी जी बैठी हुई है और ऊपर से गोल्डन भी आई थी, गोल्डन जो है ना वो हीट लगा गई, आधे सामान से होके गोल्डन जो है ना वो गई है। बाकी पट्टी माशाल्लाह से देख लें जी आपके सामने। तो कबूतरों को आपको जिस तरह से पहले मैंने बताया ना, कबूतरों को नहीं जी कुछ भी किया कबूतर। मैं जो चीज़ मैंने देखी है ना, जो मैं मिस्टेक सारी बात बंदा जो है ना वो कर जाता है, तो बस वेदर की वजह से 2 दिन जो है ना दोस्तों काम मैंने ख़राब कर लिया, खुद से मतलब कर लिया। गेम हमारे हाथ में आई, गेम जो है ना वो दूसरे हाथ में चली गई है। बाकी यह है कि यार उनके भी कबूतर अच्छे उड़े हैं, मैं मतलब इतना नहीं कहता, क्योंकि उनके कबूतर दोस्तों 5 बजे 5 बजे जाके वो उनके घर जो है ना वो घुसे हैं। तो उसका ये है कि चले उन्होंने भी मेहनत की हुई थी, अच्छी बात है हर बंदे ने मेहनत की हुई थी। बाकी ये है कि बस मौसम की वजह से वेदर की वजह से जो है ना मैं मतलब मार खा गया हूँ। तो कोई नहीं, फिर भी न्यू शौक था जी। तो माशाल्लाह कबूतरी आई है मेरी, देख ले माशाल्लाह अच्छी उड़ के आई, अभी गोल्डन हमारी ऊपर रहती है, छठा कबूतर हमारा तो दोस्तों बैठा है जी अभी। तो जिस तरह से ऊपर से गोल्डन भी निकल के आती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ले दोस्तों मौसम आगे दोबारा से ख़राब हो रहा है। बाकी ये है कि यार गोल्डन नहीं अभी तक आई सामने, जैसे हिट लगा के गई है बस नीचे नहीं निकल के आई जी, तो उसका वेट कर रहे हैं। बाकी एक बात यार, जब मेरे पट्टी जब आ जाती है ना, मैंने जो बात अपने जहन से सोची है, मैं मतलब अपने नज़रिए के मुताबिक बता रहा हूँ, शुरू से आपको भी दिखाता हूँ कि जब पट्टी ऊपर से निकल के आ जाती है ना मेरी, तब जी ऊपर से आसमान खाली हो जाता है। मुझे इतना जाना वो यकीन है, पट्टी बिल्कुल एंड करके आती है मेरी। तो आगे बात किस्मत की है, बहरहाल दोस्तों देख रहा हूँ, लेटे हुए हैं देख रहे हैं जी। चलो दुआ है यार अल्लाह पाक के हैं कि यार हमारी पट्टी यार वो जरूर आ जाए। मादी सॉरी बड़ी जो हमारी 11 नंबरी है, वैसे तो पुरानी मादी है, बाकी मेहनत कल बहुत की है उस पर, वो लूज थोड़ी सी मादी बैठी थी, बाकी कल बड़ी मेहनत की है उस पर जी। तो पट्टी अच्छी बनी हुई थी, मादी जो है अच्छी बनी हुई थी। बाकी चले कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों, अभी भी वेट कर रहे हैं मौसम आपके सामने हालात मौसम के। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करिए तो रखे जी। तो जिस तरह फिर आती है ऊपर से कबूतर निकली, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट का दोस्तों ज़रूर वेट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, अल्लाह हाफिज़।